Hello guys, this is Karthike Pandey from IIT JEE and you are watching New Age Kisan Up. So guys, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ट्रिक सब ला रहा हूँ आजकल आपके पास. So जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपके सामने ट्रिक लाई थी ऑन द बेसिस ऑफ पुली, आई थिंक सो आई वॉज ऑन NLM, दैट इज न्यूरल लॉज ऑफ मोशन. आज जो अपन ट्रिक पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन में पुली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इसका भी कॉन्सेप्ट उसी तरह है जैसे कि आपने पिछले वाले में किया, लेकिन इस बार हम टेंशन नहीं फाइंड करेंगे. इस बार अपन फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज. सो इसीलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज इस ट्रिक को फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट पूरा का पूरा देखिएगा, देन आफ्टर दैट आप इस ट्रिक को लगा पाएंगे. चलिए देखते हैं प्रॉब्लम से, बेसिक प्रॉब्लम से. मैं एक बेसिक सा प्रॉब्लम लेता हूँ. और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, कई लोगों को ये लगेगा कि ये कौन सी ट्रिक है यार, ये तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो मैं भी कहूँगा कि हाँ यार ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रिक कह देने से आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए. और यदि उसे ट्रिक ना बोलो तो आप कॉन्सेप्ट को भी इग्नोर कर देते हैं. इसीलिए जिन बच्चों को ये लग रहा हो कि मेरे से तो पहले से बनता था, तो आपको बधाई हो, दैट्स फाइन. लेकिन जिनसे नहीं बन रहा उनके लिए प्लीज़ इस चीज़ को सीख लीजिएगा. जिन लोगों से नहीं बन रहा, जैसे एक नॉर्मल सा अपन लेते हैं कोई केस. Let us suppose we have a pulley system in which two bodies are connected through a string, and that string is passing over the pulley whose mass is m and radius is r. Means pulley is not assumed to be a massless. Means we have to concern moment of inertia of that pulley also. कहने का मतलब ये था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उस बॉडी का होगा, उस पुली का होगा, वो भी हमें इस बार इंक्लूड करना पड़ेगा. वी हैव टू इंक्लूड दैट. सो इस बार यदि आप सोच रहे हो कि आप जैसे पहले करते थे नॉर्मल तरीके से टेंशन निकालना, एक्सीलरेशन निकालना, तो भैया इस बार बर्बाद हो जाओगे. ऐसे मत कर देना, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा. और आपको ये दे रखा है कि दिस पुली इज फ्रिक्शनल, इट मीन्स वॉच कि जो वायर है ये पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही है. सो इसमें पूछता है कि इन बॉडीज का एक्सीलरेशन बताइए, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ दीज बॉडीज. सो मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करके दिखाता हूं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व करके देखते हैं. सो कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा. चलिए इस बॉडी के लिए बीडी बनाइए. तो नीचे की ओर लग रहा होगा एन टू जी और ऊपर की ओर लग रहा होगा टेंशन टी वन. दूसरी वाली बॉडी की बनाइए बीडी, तो नीचे की ओर लग रहा होगा एम वन जी, ऊपर की ओर लग रहा होगा टेंशन टी टू. अब आप सोच रहे होंगे सर सेम वायर है तो टेंशन टी वन टी टू क्यों लिख रहे हो. तो मैं कहूंगा बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है इसलिए तूने ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बीच में ध्यान से देख तेरा दूसरा मास है जो कि फ्रिक्शनल पुली से पास हो रहा है, मतलब देयर विल बी सम वेरिएशन ऑफ टेंशन. सो इसीलिए इस बार हम पूरी वायर के अलॉन्ग सेम टेंशन एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो पुली से पास कर रहा है और उसके पास भी कुछ ना कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्सी है. जैसे कि मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि यदि मैं ब्रेड पास कर रहा हूँ, एक रो में चार पांच लोग बैठे हैं और उनमें उनको मैंने कहा कि ब्रेड को पास कर दीजिए, तो भैया जितने बंदों के पास से ब्रेड पास होगी उतने बंदे उस ब्रेड को खाएंगे और बीच में जहां पे बंदे नहीं होंगे वहां पे ब्रेड का अमाउंट चेंज नहीं होगा. तो उसी तरह यहाँ पे था, फोर्थ नीचे लग रहा होगा एम वन जी, बीच में मास आया चेंज होकर टी टू हो गया, टी टू से यहां तक टी टू गया क्योंकि बीच में कोई मास नहीं आया, यहाँ पे गया मास आ गया, तो टेंशन टी टू से चेंज होकर टी वन हो गया, टी वन के बाद कोई मास नहीं आया तो यहां तक T1 ही आया और इसके जस्ट नीचे क्या हो गया, दोबारा मास आ गया. सो यहां से M1 M2G बन गया. सो क्या हुआ, एक फोर्स चला था जो कि कई फोर्सेस में चेंज होकर के बाद में एक लास्ट में बन गया M2G. क्यों, क्योंकि बीच में बहुत सारे मासेस आ गए. सो ये हो गया इनका FBD. और पुली की जगह BD बनाएंगे तो ऐसा दिख रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा T2, इधर की ओर लग रहा होगा T1. एंड मैं यदि मानता हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है तो इन बॉडीज के पास, इसके पास भी एक्सीलरेशन A होगा, इसके बाद भी एक्सीलरेशन ये होगा नीचे की ओर. अब हाँ एक्सीलरेशन सेम होगा, व्हाई, बिकॉज बोथ बॉडीज आर कनेक्टेड टू द सेम स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मींस व्हाटएवर इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी दैट शुड बी ऑफ दिस बॉडी आल्सो. सो और मैंने माना कि इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा. सो कई इक्वेशन लिखेंगे जब, तो इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो टी वन इज टी वन माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए. ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहां पर टेंशन टी वन बनाया. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सही है, कोई प्रॉब्लम बात के लिए नहीं, सही है. यहां बनाते हैं तो यहां पर लिखेंगे एम वन जी
माइनस टी टू इजक्वल टू एम वन ए, और इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए लिखेंगे टॉर्क इक्वेशन, समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू लेवर आर्म, दैट इज टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा, सीधे सीधे मैं बोलूंगा आई इनटू अल्फा। सो चलिए पुली ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब इसके चलते जो टॉर्क पैदा हुआ होगा ज्यादा बड़ा होगा, सो टी वन इंटू आर माइनस टी टू इंटू आर इक्वल टू आई, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डिस्क एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। एंड आपको पता है कि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो हम ये बात बोल सकते हैं अल्फा इंटू आर इक्वल टू एक्सेलरेशन ए। सो देयर आर फोर इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड वेरिएबल्स टी वन टी टू अल्फा ए, फोर वेरिएबल्स फोर इक्वेशंस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, निकाल देंगे, मैं निकालने नहीं जा रहा हूं। सो इसको अपन ट्रिक की मदद से कैसे करेंगे, जैसे अभी देखिए आपने इतनी सारी क्वेश्चन बनाई या वीडियो बनाया अंडरवर्ल्ड दुनिया भर करने के बाद आपका ये सब आया, लेकिन मेरा सजेशन है कि ऐसा सब करना ही नहीं है, सीधे सीधे लिखेंगे यार एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ ऑल मासेस ऑफ द सिस्टम। सो यहां पे देखते हैं सब, इस पुली को पकड़ के नहीं खोल देंगे या ध्यान से देखें तो इस पुली पे टोटल फोर्सेस कितने आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा एम वन जी नीचे की ओर और एक आ रहा होगा एम टू जी। सो एम टू जी माइनस एम वन जी, क्यों माइनस दिया क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यदि पुली को खोल के देखेंगे तो एक इधर क्यों लग रहा तो एक इधर क्यों लगेगा, एम टू जी माइनस एम वन जी, ये हम एक्सीलरेशन ए की वैल्यू लिख रहे हैं, एम टू जी माइनस एम वन जी दैट इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, एम वन प्लस एम टू प्लस आई बाई आर स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि सर ये एम वन और एम टू तो हमको पच गया लेकिन आई बाई आर स्क्वायर नहीं पचा, तो मेरा सजेशन है कि आई बाई आर स्क्वायर पचना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि भैया ये तो इसके हम एक तरह से मान के चल रहे हैं इनर्सिया, मतलब मास मीन्स इनर्सिया, यार इसके पास भी तो रोटेशनल इनर्सिया है, सो इसके चलते हम रोटेशनल मास का कॉन्सेप्ट लाएंगे कि भैया रोटेशनल इनर्सिया के चलते कितना मास, मतलब वहां पे इफेक्टिव मास कितना होगा, सो दैट विल बी आई बाई आर स्क्वायर इफ आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, क्योंकि हमें पता होता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्सिया इक्वल टू क्या होता है एम इंटू आर स्क्वायर, सो आई बाई आर स्क्वायर करने पे मास आ जाएगा। सो देयर आर द थ्री मासेस, मास एम वन मास एम टू आई बाई आर स्क्वायर, सो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ ऑल मासेस दैट इज एक्सीलरेशन ए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ए, और यदि अब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर हो जाएगा, सो नथिंग इज न्यू। नाउ ये तो मैंने एक बेसिक सी प्रॉब्लम में करके दिखाया, अब मैं इसको कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई करके दिखाता हूं कि भैया ये हमने जो सीखा है इसका कोई फायदा भी है या नहीं। सो दिस इज द क्वेश्चन इन विच आपको एक्सीलरेशन निकाल के बताना है दो बॉडीज जो कि कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग की मदद से, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की मदद से, जो कि पास हो रही है पुली नंबर 1 पुली नंबर 2 पुली नंबर 3 से, जिनका रेडियस आर वन आर टू आर थ्री, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई वन आई टू आई थ्री, और आपसे पूछा है कि एक्सीलरेशन ए बताइए इन बॉडीज का, तो इनका जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो अलग अलग होगा क्योंकि रेडियस अलग अलग है। सो आप यदि चाहें तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे टेंशन टी वन मान लीजिए, इधर टी टू मान लीजिए तो इधर भी टी टू आ जाएगा, इधर टी थ्री आ जाएगा तो इधर भी टी थ्री आ जाएगा, इधर टी फोर आ जाएगा, फिर सारी इक्वेशन सबके लिए समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा, इनके लिए समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फिर हर पर्टिकुलर उसके लिए अल्फा इनटू आर इक्वल टू ए, अल्फा इनटू आर इक्वल टू ए, अल्फा इनटू आर इक्वल टू ए, जिनका जितना रेडियस उसी हिसाब से उनका अल्फा, इतना सब करिए अंड बुंड दुनिया भर का और उसके बाद आधे घंटे में जाके एक्सीलरेशन ए की वैल्यू निकाल के लाइए, क्यों करोगे क्यों करोगे, अब यार इसका आंसर लिखो ना सीधे सीधे क्या, आओ देखते हैं एक्सीलरेशन ए इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, तो भैया बड़ा वाला फोर्स वो है, सो 2mg माइनस mg अपॉन समेशन ऑफ ऑल मासेस m प्लस 2m प्लस I1 by R1 square plus I2 by R2 square plus I3 by R3 का होल स्क्वायर। ये लो रे आंसर आ गया तुम्हारा, काहे के लिए जिंदगी में प्रॉब्लम पाल रहे हो, एक लाइन में आंसर लिखो ना एक्सीलरेशन ए की वैल्यू, क्यों इतना सारा तुम सोचोगे, सीधे सीधे एक लाइन में एक्सीलरेशन ए की वैल्यू लिखो, इतनी सारी इक्वेशन बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है इसीलिए। और इसमें कुछ मैंने नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, मैंने क्या किया है, मैंने बस इतना कहा है कि भैया जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वो हर जगह वैलिड है,
and it says that if mass is constant, then summation of all forces is equal to mass into acceleration. That's all, nothing else. So if body is moving translationally, then it should be carrying some translational mass, that is inertia. And if body is performing rotational motion, then on that case it should carry a rotational mass, that is moment of inertia upon r square. That's all, nothing else. So मैंने समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ ऑल मासेस का कॉन्सेप्ट लगा के इसका आंसर लिख दिया. और हाँ, मेरा एक सजेशन है कि प्लीज ये चेक करने के लिए कि जो कार्तिकेयन सर पढ़ाए वो सही है या नहीं, प्लीज इसके लिए ढेर सारी इक्वेशन बनाइए, ढेर सारी बनाइए, एक बोरी इक्वेशन बनाइए, फिर उनको सॉल्व करिए, और उसके बाद जो आंसर आया तो जरूर कमेंट करके बताइए मुझे कि हाँ भैया आपका आंसर सही था. मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना. बाय द वे, सही टेंशन मत लो, अपन देखते हैं न्यू प्रॉब्लम. यार मैं एक बात बोलूंगा जो मेरे हेटर्स हैं, हेटर्स इन द सेंस ऑफ सेइंग कि जो जानबूझ के मुझे टिंच करते रहते हैं कि यार तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम दूसरों के हेल्प नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हो. मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज इस क्वेश्चन को करिए और विद इन वन सेकंड लेके आइए. तो यार या विद इन 10 सेकंड, चलिए मैं आपके ऊपर मेहरबान हूं, मैं आपको 1 मिनट दे दिया, 1 मिनट में इसका आंसर लाके दिखाइए. तो इस केस में आपकी बॉडीज ये सीधे मूव नहीं कर रही है, ये भी रोटेट कर रही है, ये भी रोटेट कर रही है. अब कैसे करेंगे बताइए इनको. इनका बस एक ही सॉल्यूशन है कि जाइए और इक्वेशंस बनाइए और सॉल्व करके आंसर लाइए. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे को तो आंसर लिखना आता है. सीधे एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू, इन दिस केस जो एक्सीलरेशन ए होगा वो क्या हो जाएगा, summation of all forces. So summation of all forces, मैंने माना कि पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है, let us suppose, तो m2g sin theta minus m1g sin theta. क्यों ये लिया sin theta component, क्योंकि भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो m2g या m1g cos theta component होगा वो बैलेंस हो चुका होगा. So m2g sin theta minus m1g sin theta upon, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं. अब इनके ट्रांसलेशनल मास m तो आएंगे ही, साथ में रोटेशनल मास भी आएंगे. This is the acceleration of the bodies. That's all, nothing else. मैंने क्या किया है? Mass इसका माना, इसी का rotational mass, इसी का translational mass, इसी का rotational mass, इसी का translational mass. इसके केस में mass rotational mass. Why? Because it cannot move. So इस केस में translational mass नहीं आएगा. That's all. Answer आ गया. कितना easy था ना? मतलब within 1 minute यार, within 1 minute भी नहीं. ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ. मैं तो answer लगाऊंगा सीधे exam में. अब देखिए जो इतनी बिंदास प्रॉब्लम है जेईई एडवांस की, आप इसको बिना इक्वेशंस को किए हुए एक लाइन में आपने आंसर निकाल लिया. वाह, द ग्रेट अचीवमेंट. सो इसीलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज इस ट्रिक को जा करके लगाइए दूसरे क्वेश्चंस में और मुझे बताइए कि आपके जिंदगी में हरियाली आई है नहीं, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए है नहीं. चलिए आगे देखते हैं एक और प्रॉब्लम जो कि मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं एज अ होमवर्क. यू हैव टू कमेंट एंड यू हैव टू गिव मी आंसर. और मैंने पहले ही बताया था यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो यार आप YouTube में कमेंट करो, ठीक है, वहां रिप्लाई आपको देंगे. अदरवाइज आप चाहो तो हमारे न्यूरा का फेसबुक जो पेज है उसको लाइक कर लो, उसे फॉलो करते रहो. सो हम जब कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, पेपर पोस्ट करते हैं या कुछ भी पोस्ट करते हैं तो आपके पास वो चीजें आ सके और आप डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट कर सको, क्योंकि हमारे वहां पे दूसरे ऑनलाइन एजुकेटर्स भी आपसे मिल सकते हैं. सो गाइस, आपके लिए मैं नई एक होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसको देखिए आप. गाइस, इस केस में आपके पास एक बॉडी है जो कि कनेक्टेड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस आर है, मास एम है, और दूसरे बॉडी कनेक्टेड जिसका मास 2m है, पुली से पास कर रही है, जब नीचे मूव करेगी तो ये रोल करते हुए आगे जाएगी. तो आपको बताना है कि इनका कॉमन एसिलेशन क्या होगा, क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है, तो जो एसिलेशन इस बॉडी का वो ये आपको बताना है. सो दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू. और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो हम पुट करते हैं वो रोटेशनल मास पुट करते हैं, दैट इज आई बाई आर स्क्वायर. यदि उसका मास एम दिया है तो एम मत पुट कर दीजिएगा डायरेक्टली कि भैया इसका मास एम दिया है तो सर ने बोला है एम तो एम. नहीं रे, मैंने रोटेशनल मास बोला है, मतलब जो कि रोटेशनली इफेक्टिव हो.
So that will be moment of inertia divided by r square, that is m. In case of cylinder वो 2 by 5 m हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? In case of disc वो m by 2 हो जाएगा, in case of ring वो m हो जाएगा. So ये बात, sorry, in case of cylinder मैंने बोल दिया, in case of sphere होगा 2 by 5, in case of cylinder, hollow cylinder, और फिर depend करेगा कि वो कैसा cylinder है. यदि hollow cylinder है तो m होगा, यदि normal cylinder है, hollow नहीं है, तो m by 2 हो जाएगा. So, इसीलिए मेरा सजेशन है कि इस ट्रिक को जाइए, लगाइए, सॉल्व करिए, उसके बाद अपना हमें फीडबैक जरूर दीजिए. और हाँ, तब तक के लिए बाय बाय. आपको मैं मिलूंगा एक नई ट्रिक के साथ जो कि कैपेसिटर्स पे होगी, बहुत ही खतरनाक, जिसे कहते हैं बूम वाली प्रॉब्लम्स को विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड अपन सॉल्व करना सीखेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. और हाँ, एक लास्ट मैसेज, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जस्ट लीव अ थम्स अप, क्योंकि इससे आपको दूसरी नई वीडियोस आने वाली आपके पास आराम से नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको मिलती रहेंगी, और मैं आपके साथ बना रहूंगा. बाय बाय, टेक केयर.